हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं पंढरपुर का श्री विट्ठल टेंपल। और इस टेंपल की जो डिमांड की थी, मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने की थी, तो उन्हीं की डिमांड पे मैंने ये टेंपल लाया गाइस। तो चलिए देखते हैं पंढरपुर का विट्ठल टेंपल। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बहुत सारे टेंपल्स भी बनाए हैं साइड में। यहाँ पे चंद्रभागा नदी है, यहाँ पे चंद्रभागा नदी भी मैंने यहाँ पे बनाई है, मैंने यहाँ पर जो कि भीमा नदी का एक ब्रांच है। तो यहाँ पे डुबकी लगा के आएंगे हम बाहर। अरे ब्लॉक तोड़ के आना होगा मेरे को, शायद से ब्लॉक तोड़ के आया था। तो आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम साइड के टेंपल्स देखेंगे, जो कि चंद्रभागा नदी के जो साइड में जो टेंपल्स है ना, हम पहले वो देखेंगे। तो फिर मतलब साइड में बहुत सारे टेंपल्स हैं चंद्रभागा नदी के, लेकिन मैंने सिर्फ तीन ही टेंपल बनाए, क्योंकि मुझे वो तीन बड़े मंदिर लगे, इसलिए मैंने सिर्फ तीन ही बनाए हैं। लेकिन बहुत सारे टेंपल्स रहते हैं, उसमें से एक जो मंदिर है जो है भक्त पुंडलिक का ही मंदिर है। तो हम सबसे पहले पुंडलिक जी के हम दर्शन करेंगे। आप यहाँ पे ये रिमिल इमेज भी देख सकते हो। तो फिर मैंने ट्राई किया कि मतलब अच्छे से दिखे मतलब ये मंदिर। और फिर लेफ्ट में और दो मंदिर थे, लेकिन मुझे पता नहीं था वो कौन से भगवान के मंदिर है, इसलिए मैंने उसको खाली छोड़ दिया। इसको मतलब गर्भ वगैरह एकदम खाली है, मतलब मैंने कोई मूर्ति नहीं रखी है उसके अंदर। तो अगर आपको भी पंढरपुर विज़िट किया हो तो मुझे बताना कि मतलब आप यहाँ पे कौन कौन से मंदिर को, अपने साइड के मंदिर को विज़िट किया है। और फिर एक बार कमेंट सेक्शन में श्री हरि विट्ठल लिखना ना भूलिएगा। आप सब कमेंट सेक्शन में श्री हरि विट्ठल एक बार लिखना। और जिन आप में से जिन जिन लोगों ने इस टेंपल को विज़िट किया है, तो मुझे बताना कि मैंने टेंपल अच्छे से बनाया है या नहीं, ये टेंपल रियलिस्टिक दिख रहा है या नहीं, आप मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे लेफ्ट में एक और मंदिर है, जो कि है श्री द्वारकाधीश जी का टेंपल। हम यहाँ के दर्शन कर सकते हैं श्री द्वारकाधीश जी के। आप यहाँ पे ये इमेज भी देख सकते हो। मतलब साइड में बहुत सारे टेंपल्स हैं, इसलिए तो मैंने मतलब जो गूगल मैप में मुझे जो टेंपल्स दिख रहे थे ना, तो वही मैंने टेंपल्स बनाए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे एक और टेंपल है यहाँ पर लेफ्ट साइड में, जो कि है हनुमान जी का टेंपल। हमें हनुमान जी के भी हम दर्शन कर सकेंगे। तो उसका रियल इमेज तो नहीं मिला था, लेकिन नाम में लिखा आ रहा था हनुमान टेंपल, इसलिए। तो यहाँ पर है श्री मल्लिकार्जुन जी का टेंपल। यहाँ पे सारे विनंदी जी हैं, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पर है श्री मल्लिकार्जुन जी का टेंपल, मतलब शिव जी का टेंपल। और यहाँ पे साइड पे एक और टेंपल है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, उड़ के दिखाऊंगा मैं आपको, जो कि यहाँ पर है श्री खंडोबा जी का टेंपल। आप देख सकते हो, जो कि मतलब मैंने खंडोबा जी का टेंपल बनाया। और लेफ्ट और राइट में मारसा देवी और बनाई माता भी हैं यहाँ पर। आप ये देख सकते हो यहाँ पर लेफ्ट राइट में, और यहाँ पे सेंटर में श्री खंडोबा जी हैं। तो मतलब मैंने बनाया, मतलब ये चार टेंपल मुझे गूगल मैप्स में दिखे थे, इसलिए मैंने उसको ही यहाँ पर बनाया है, दिखाया आ रहा था। तो फिर हम चलते हैं एंट्रेंस की तरफ, विट्ठल मंदिर के एंट्रेंस की तरफ। तो फिर एंटर आप देख सकते हो, एंट्रेंस आप ये देख सकते हो। तो एंटर होने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि मतलब विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए दो रास्ते हैं, मतलब दो रास्तों से आप विट्ठल भगवान के दर्शन कर सकते हो। एक है जो है मुख्य दर्शन है, मतलब मुख्य दर्शन आप कैसे, आप विट्ठल भगवान के आप दूर से दर्शन करोगे, मतलब आप दूर से ही दर्शन करोगे, मतलब आप सामने से नहीं दर्शन करोगे। और एक है धर्म दर्शन, जो कि यहाँ से होगा, लेफ्ट साइड से होगा। इस बिल्डिंग से हम धर्म दर्शन कर सकते हैं। धर्म दर्शन का एडवांटेज ये है कि आप विट्ठल भगवान के पैरों को आप टच कर सकते हो, विट्ठल भगवान की जो मूर्ति होती है ना, तो उसके हम पैरों को टच कर सकते हैं। लेकिन मुख्य दर्शन में हमें पैरों को टच नहीं कर सकता, हमको दूर से ही हमें दर्शन करना होगा। तो पहले हम मुख्य दर्शन करेंगे, उसके बाद हम धर्म दर्शन करेंगे। तो ये जो है यहाँ पे संत नामदेव की छोटी सी मूर्ति है यहाँ पर, और ये जो सीढ़ियाँ हैं, इसको नामदेवाची पायरी बोलते हैं इसको मराठी में, जिसका लिटरली मीनिंग ही होता है मतलब नामदेव की पायरी। और जो संत नामदेव थे, वो विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्हीं के नाम पर इस सीढ़ी को नाम दिया गया है, नाम संत नामदेव के नाम पर, वो बहुत बड़े संत थे। तो हम यहाँ पे एंटर होते ही, ये जो आपको ये पैसेज दिख रहा होगा ना, इस पैसेज को कहते हैं वारकरी कीर्तन मंडप। ये जो आप देख रहे हो ना, बड़ा सा जो पैसेज मंडप जैसे आप देख रहे हो ना, इसको वारकरी कीर्तन मंडप कहते हैं। इसको जो वारकरी लोग होते हैं, वो यहाँ पे कीर्तन करते हैं, यहाँ पर उनके भजन होते हैं विट्ठल भगवान के, तो वो यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पर उनका कीर्तन होता है वारकरी लोगों का, इसलिए इसको वारकरी कीर्तन मंडप कहते हैं। अब हम यहाँ पर आगे आएंगे, आगे आते ही हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हम दर्शन कर सकेंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे गरुड़ स्तंभ है यहाँ पर,
गरुड़ स्तंभ में क्या है, मतलब ये चांदी का इसके ऊपर लेयर चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर स्तंभ के ऊपर मतलब मैंने बहुत ट्राई किया कि मतलब ये रियलिस्टिक जैसा दिखे, तो फिर आप यहाँ पे रियल इमेज भी देख सकते हो आप यहाँ पर। तो और फिर मैं यहाँ पे, यहाँ से हम एग्ज़िट होंगे, तो धर्म दर्शन में कैसे हम पास से होके हम दर्शन कर सकेंगे, तो मतलब मुख्य दर्शन में ये एक डिसएडवांटेज रहता है कि मतलब दूर से हमें दर्शन करना पड़ता है, तो जिन लोगों को टाइम की कमी होती है तो वो मुख्य दर्शन करते हैं। यहाँ से हम रुक्मिणी जी के भी हम दर्शन कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे उनके चरण पादुका हैं, हम यहाँ पे रियल इमेज भी देख सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था जिनको बहुत कम टाइम में दर्शन करना होता है तो वो मुख्य दर्शन करते हैं, क्योंकि मुख्य दर्शन में सिर्फ मतलब 5-10 मिनट में ही हम मुख्य दर्शन करके बाहर आ सकते हैं मंदिर के। लेकिन जिनको जो पास से दर्शन करना होता है, जिनको विट्ठल भगवान के पैर को टच करना होता है, तो उनको 3-4 घंटे तक रुकना पड़ता है, क्योंकि मतलब बहुत लंबी लाइन रहती है धर्म दर्शन करने के लिए, तो उनको 3 से 4 घंटे उनको रुकना ही पड़ता है। जैसे इस बिल्डिंग से हम जा सकेंगे विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए। तो मतलब जिनको बहुत टाइम लगता है, मतलब इसको बहुत टाइम लगता है धर्म दर्शन के लिए, 3 से 4 घंटे लगते हैं मतलब विट्ठल भगवान को पैर को टच करने के, लेकिन ये वर्थ इट भी होता है क्योंकि हम विट्ठल भगवान के पैर को टच कर सकते हैं। इसलिए मतलब भक्त लोग 3-4 घंटे तक वेट करते हैं और इसी से बिल्डिंग से जाते हैं। और जो बिल्डिंग में ना बहुत सारी लाइन होती है, मतलब मैंने बहुत सिंपल वाला ये बनाया है, लेकिन और भी बहुत सारी लाइन होते हैं और बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 ही फ्लोर बनाए हैं, लेकिन रियल में मतलब कैसे, मतलब और 2-3 फ्लोर्स हैं, उससे ही जाके हम और अंदर जाए, और अंदर ऊपर है मतलब। और वहाँ से आके हम यहाँ पर एक ब्रिज रहता है, ब्रिज से हम टेम्पल के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो जो विट्ठल भगवान की जो स्टोरी है, मतलब जो स्टोरी चलती है, वो ऐसी होती है कि एक बार भगवान कृष्ण को पता चलता है कि पुंडलिक नाम के उनके बहुत बड़े भक्त हैं जो कि पंडरपुर में रहते हैं, मतलब पंडरपुर पे या आज का प्रेजेंट पंडरपुर में रहते हैं। और फिर तब भगवान कृष्ण जो है वो भक्त पुंडलिक से मिलने के लिए द्वारका से यहाँ पंडरपुर में आते हैं उनके भक्त को मिलने के लिए भगवान कृष्ण। तो फिर तभी जब भगवान कृष्ण जो है वो पुंडलिक के घर में आते हैं, तब वो देखते हैं कि भक्त पुंडलिक जो है वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे होते हैं, अपने माता पिता के पैर दबा रहे होते हैं। तभी तभी भक्त पुंडलिक कहते हैं कि मैं अभी अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, मैं अपने माता पिता को सुला के आपके दर्शन करूँगा, मैं अभी आपके दर्शन नहीं कर सकता। और फिर तभी भक्त पुंडलिक जो है वो भगवान श्री कृष्ण को एक ईंट देते हैं और कहते हैं कि आप इसके ऊपर विश्राम कीजिए, इसके ऊपर आप खड़े रह के विश्राम कीजिए, तब तक मैं अपने माता पिता की सेवा करके आता हूँ। और फिर जब भक्त पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा करके भगवान कृष्ण के दर्शन करने आते हैं, तब भगवान कृष्ण उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं कि उन्होंने अपने माता पिता को पहली प्राथमिकता दी भगवान के ऊपर, इसलिए भगवान कृष्ण उनको एक वर मांगने के लिए कहते हैं। तो फिर तभी भक्त पुंडलिक जो है वो उससे ये वर मांगते हैं कि आप सदैव इस ईंट के ऊपर खड़े रहिए और फिर कलयुग में आप अपने भक्तों को दर्शन दिया कीजिए। तभी तब से लेकर अब तक भगवान कृष्ण जो है वो अभी यहाँ पे ईंट के ऊपर खड़े हैं, भक्त पुंडलिक के दी गई ईंट के ऊपर खड़े हैं। तो आज का जो प्रेजेंट पंडरपुर है इसके ऊपर इधर ये मंदिर है, यहाँ पर है भगवान विट्ठल जो है, और विट्ठल का मीनिंग ही लिटरल मीनिंग यही कि मतलब ईंट के ऊपर खड़े हैं, उसका मतलब भगवान कृष्ण जो है ईंट के ऊपर खड़े हैं। जो मराठी में जो ईंट जो है उसको मराठी का ट्रांसलेशन वीट है, तभी वहाँ से विट्ठल वर्ड आया है यहाँ से, इसलिए। तो तब से लेकर अब तक भगवान श्री कृष्ण जो है वो ईंट के ऊपर खड़े हैं और अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, ये हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम स्टोरी बताते बताते टेंपल तक आ गए, हम यहाँ पे टेंपल के अंदर आ गए। यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे लक्ष्मी जी की छोटी सी मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे लक्ष्मी जी के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे साइड पे है श्री वेंकटेश्वर जी का टेंपल, वेंकटेश्वर बालाजी का टेंपल, आप यहाँ पे रियल इमेज भी देख सकते हैं। और फिर अब हम मेन टेन टेंपल के अंदर एंटर होंगे, भगवान विट्ठल के हम दर्शन करेंगे, भगवान विट्ठल के हम पैर को टच करेंगे। तो फिर
यहाँ से मतलब वर्थ इट होता है, मतलब अगर आप 2 से 3 घंटे रुकोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से हम एंटर होते ही हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गरुड़ स्तंभ है जो कि मैंने आपको मुख्य दर्शन के वक्त मैंने आपको दिखाया था, गरुड़ स्तंभ है वहाँ पर। यहाँ से हम एंटर होंगे और अब यहाँ से आप देख सकते हो कि हम मुख्य दर्शन के लिए हम वहाँ से एंटर होता है, वहाँ का एंट्रेंस आप देख सकते हो मुख्य दर्शन के लिए। और यहाँ से धर्मवर दर्शन कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम यहाँ पे आगे आएंगे और विट्ठल भगवान के दर्शन कर सकेंगे हम, और यहाँ पे हम दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे ये ब्लैक कलर का ब्लॉक देख रहे हो, ये वही ईंट है जहाँ पे अभी तक भगवान कृष्ण जो है भक्त पुंडली के द्वारा दी गई ईंट के ऊपर खड़े हैं। यहाँ पर आप रियल इमेज भी देख सकते हो यहाँ पर। तो फिर अब हम बाहर आएंगे और रुक्मिणी देवी के हम दर्शन करेंगे। तो मतलब ये यहाँ पर भी आधा आधा घंटा लग सकता है यहाँ से रुक्मिणी देवी के भी दर्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी लाइन रहती है यहाँ पर। लेकिन हम रुक्मिणी देवी के भी हम पैरों को टच कर सकेंगे। हम यहाँ पर आते हैं, सामने आएंगे और यहाँ पर हम रुक्मिणी देवी के हम दर्शन कर सकते हैं। रुक्मिणी देवी जो है, जो आपको पता ही होगा, भगवान कृष्ण की एक और पत्नी है। तो फिर मतलब वहाँ से हम एग्जिट हो सकते हैं, जो धर्म दर्शन करते हैं वो वहाँ से राइट साइड से एग्जिट होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको टेम्पल पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।